हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना मेरे रसोई घर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कहीं विलेज स्टाइल बेसन की सब्जी, जो कि हमारे गांव में बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है, जबकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। सच में आप सबको पसंद आने वाली रेसिपी है ये। सो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाले को तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने लिया है सूखा धनिया, जीरा, शाही जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और छोटा सा स्टार एनेस का टुकड़ा और मैं सूखी लाल मिर्च। मेरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मैं इसे मिक्सी के जार में डाल के इस मसाले को मैं अच्छे से पीस लूँगी। मैंने इस मसाले को पीस लिया, आप देख सकते हैं मेरा मसाला कितना स्मूथ। अब हम दूसरी तरफ बेसन की कतली बनाएंगे, जिसके लिए मैंने डोसा पैन लिया है। इसमें मैं करीबन एक चम्मच इतना तेल डाल दूंगी और ब्रश की मदद से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम तवे पर बेसन का बैटर डालेंगे, इसे हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे बिल्कुल डोसा की तरह, लेकिन हमें डोसा की तरह पतला नहीं, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। हमें इस बैटर को हमें बहुत ही हल्के हाथ से ही स्प्रेड करना है, ज़्यादा प्रेशर ना डालें, बिल्कुल इस तरह से। हमने इसे अच्छे से फैला लिया। अब हम ऊपर का पार्ट हमें हल्का सा सूखने तक पकाना है, हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा, नहीं तो हमारी बेसन की कतली फोल्ड करने के टाइम पे चिपकेगा नहीं। अब देख सकते हैं ऊपर का बेस हल्का सूख चुका है। अब हम इसे एक चम्मच की मदद से इसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। हम देख सकते हैं हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसे एक बार सेंटर में ला के इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ग्रेवी में खुले ना। अब मैं सारी कतली इसी तरह से तैयार कर लूँगी। मैंने सारी कतली बना ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस कतली को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं इसकी पीसेस इतना ही बड़ा रखूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इतना ही काटा है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं पीसेस का। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई लिया। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। इसमें अब मैं इसमें एक तेज़पत्ता डाल दूंगी, आधा चम्मच इतना जीरा डाल दूंगी, 1/4 चम्मच हींग, 2 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, इसे अब डाल देंगे। अब इसे भी हम ब्राउन होने तक पका भून लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हमने जो मसाला तैयार किया था, अब ये मसाला डाल लेंगे। इस मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम साथ ही में एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, उसे भी डाल के हम साथ में मसाले को भूनेंगे। अब हम इस मसाले में करीबन आधा चम्मच इतना नमक डालेंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके करीबन मैं ढक के इसे करीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे छोड़ दूंगी पकने के लिए, मीडियम टू लो आंच कर दे। करीब 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी है, इसने काफ़ी अच्छे से तेल छोड़ दिया है, देखिए कितना। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, मैंने इसमें गर्म पानी यूज़ किया है। गर्म पानी डालने से हमारी ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब साथ ही में नमक डाल लेंगे, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। करीब 15 से 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पक चुकी है, इसने काफ़ी अच्छे से तेल को रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें अपनी सारी बेसन की कतली डाल देंगे। हमने बेसन की कतली पूरा डाल दिया, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढक के लो आंच पे करीबन 10 मिनट तक छोड़ दूंगी, ताकि बेसन की कतली पूरे ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। और ये हमारी बेसन की सब्जी रेडी है, देख सकते हैं इसने सब्जी ने काफ़ी अच्छे से तेल को रिलीज़ कर दिया है। अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनता है। मैंने बेसन की सब्जी को सर्व कर लिया है, सच में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी आपको ये कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।